आयरमैन गोडजिला मुझे माफ कर दो, मैं थ्री हेडेड जायंट स्पाइडर नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता है, इसीलिए मुझे छोड़ दो। नहीं जायंट एविल स्पाइडरमैन, तुमने मेरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है, इसीलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। सो गाइस यार, GTA 5 में चारों तरफ तबाही मची हुई है और जैसा कि आप देख सकते हो हमारी सिटी का बहुत ही बुरे वाला हाल होके रखा है। ये देखो यार, हमारी धरती पे यार मेटियोर शावर्स भी हो रहे हैं और ये सभी चीजें उस एविल स्पाइडर की वजह से हो रही हैं। यार अगर हमें इसे रोकना है तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, इसीलिए गाइज अभी हम दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं क्योंकि अभी हम एक न्यू एवेंजर बनाएंगे और उसकी हेल्प से उस एविल स्पाइडर को हराने वाले हैं। तो चलो गाइज अभी हम सीधा चलते हैं हमारी दूसरी दुनिया में। सो 3, 2, 1 वूफ। तो ये लो गाइज अभी हम पैरेलल यूनिवर्स में आ चुके हैं और हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए, इसीलिए चलो यार एक बार तो हम यहाँ पर लैंडिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर यार अभी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हैं। और मैं अपनी यार ये स्पेशल बाइक यहाँ पर ही खड़ा कर देता हूँ। तो चलो भाई लोग, यार अगर आपको यहाँ पर कोई एवेंजर दिखता है तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि हमें उस जायंट एविल स्पाइडर को कुछ भी करके हराना है। तो चलो देखते हैं कि यार हमारा पहला एवेंजर हो कहाँ पर सकता है। गाइज मुझे लगता है कि यार हमें यहाँ पर हमारा पहला एवेंजर मिल चुका है और ये देखने में यार हमारे कुछ हल्क जैसा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि यार ये हल्क का कोई वेरिएंट हो सकता है, इसीलिए अभी हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और ये देखो यार ये तो हमारे हल्क का ही वेरिएंट है। और यार मुझे लगता है कि ये हमारे ग्रैंडफादर हल्क हो सकते हैं क्योंकि मैंने इनके बारे में एक बार सुना हुआ है। तो चलो अभी हम इन्हें मारते हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी ग्रैंडफादर हल्क, मेरी लेजर गन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। और यार ये तो यहाँ पर जिम कर रहे थे और मैंने तो अपनी लेजर गन से इन्हें मार दिया। भाई लोग अभी ये ग्रैंडफादर हल्क कुछ कुछ उठने लगे हैं और आप इनकी बॉडी देखो यार, ये क्या ही मस्त लग रहे हैं। यार इनकी ना कोई गाड़ी यहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि हमें कुछ हेल्प मिल सके। और ये देखो हमें यहाँ पर ग्रैंडफादर हल्क की बाइक भी मिल चुकी है। तो इससे पहले कि ग्रैंडफादर हल्क उठे मैं इनकी ये बाइक लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। और यार ये क्या ही तो बीस्ट बाइक है, मैंने यहाँ पर एक को टक्कर मारी और उसका बहुत ही बुरे वाला हाल हो चुका है। और ये बाइक यार हमारी नॉर्मल बाइक से काफी ज्यादा बड़ी भी है। और गाइज हमें यार यहाँ पर किसी को शक नहीं होने देना चाहिए कि हम दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं और ये बाइक तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अभी यहाँ पर देखो मैं इसको टक्कर मारता हूँ और इस गाड़ी का क्या हाल हो चुका है। यार हमारे जितने भी हल्क होते हैं वो सभी इतने ही पावरफुल होते हैं क्या? तो चलो कोई नहीं यार, अभी मुझे यहाँ पर हमारे न्यू एवेंजर को बनाना है और इसके लिए मुझे गोडजिला के सीरम की जरूरत होगी। तो चलो भाई लोग अभी हम सीधा चलते हैं गोडजिला के एरिया में। सो ऑलराइट गाइस, यार अभी हम गोडजिला की एरिया में भी आ चुके हैं और आप यहाँ का एरिया देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि यहाँ पर गोडजिला के अलावा कोई और रह भी नहीं सकता है। और यार ये एरिया देखने में काफी ज्यादा ही मस्त है। और यार ये देखो यहाँ पर ये एक ब्रिज भी है ताकि यहाँ से लोग जा सके, वरना गोडजिला तो उन्हें भून ही देंगे। तो चलो हम अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा करते हैं और देखते हैं कि यार हमारा गोडजिला हो कहाँ पर सकता है। और यार मुझे यहाँ पर कुछ नजर तो आ रहा है। और गाइस ये देखो हमें यहाँ पर अपने फायर गोडजिला मिल चुके हैं जो कि हमारे लावा गोडजिला भी हैं। अभी यार हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर नीचे आते हैं और गाइस आप ये देखो यहाँ पर ये गोडजिला क्या ही जबरदस्त लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि यार यहाँ पर ये पानी पीने आए होंगे, इसीलिए अभी मुझे यहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए और अपनी मोस्ट पावरफुल गन से इनका सीरम निकालना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि यार इनका सीरम कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सो 3, 2, 1 भाई लोग हमें गोडजिला का सीरम भी यहाँ पर मिल चुका है। और ये देखो अभी ये बैरल में हमारे गोडजिला का सीरम है। तो चलो यार इससे पहले कि गोडजिला हमें देखे हम इस सीरम को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारे फायर गोडजिला का सीरम तो ले लिया है और इनमें यार क्या ही पावर है। मैंने यार ये सीरम इतनी पहले लिया था लेकिन इसमें से अभी भी पावर निकल रही है जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल है। अभी यार मुझे एक दो एवेंजर की और पावर चाहिए ताकि यार जब मैं हमारा न्यू एवेंजर बनाऊं तो उसमें यार हमारे सारे के सारे एवेंजर की पावर हो, इसीलिए अभी मुझे आयरन मैन को ढूंढना चाहिए। शायद आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से हमारा न्यू एवेंजर काफी ज्यादा ही पावरफुल बने। तो चलो गाइज अभी हम सीधा चलते हमारे आयरन मैन के पास। तो चलो गाइज यार अभी हम आयरन मैन के एरिया में भी आ चुके हैं और यार हमारे इस दुनिया का आयरन मैन बहुत ही ज्यादा गरीब है
क्योंकि हम यहाँ पर लोगों से उसका रास्ता पूछते हुए आए थे। तो चलो अभी हम यहाँ पर आते हैं। और यार इस दुनिया के आयरन मैन के पास ये कितना खटारा सा प्लेन है, मुझे लगता है कि यार ये उसका घर हो सकता है। तो चलो अभी हम यहाँ पर आते हैं। और मुझे लगता है कि यार ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। अभी यार मेरा मन कर रहा है कि ना इनको एक दो मार दूँ। तो चलो यहाँ पर कुछ तबाही मचाई जाए ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं और आयरन मैन की हेल्प करने कोई भी ना आए। तो मैंने यहाँ पर इन सभी को मार दिया है और अभी मुझे आयरन मैन को ढूंढना है। आयरन मैन कहाँ पर हो सकता है? यार इसका ये गराज तो बंद है, तो हमारा आयरन मैन बाहर ही होगा। और गाइस ये देखो, हमें यहाँ पर हमारा आयरन मैन भी मिल चुका है। और मुझे आयरन मैन का ये सूट चाहिए क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ काफ़ी एडवांस सूट है। और अगर हमारे पास ये आ जाता है तो हम गोडजिला के सीरम में इसे मिला सकते हैं। तो चलो अभी इसे मारने की बारी आ चुकी है। सॉरी आयरन मैन, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सूट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गाइज यहाँ पर यार हमें कोई मारने लग रहा है, मुझे लगता है कि ये आयरन मैन के बॉडीगार्ड हो सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से गन स्विच करके इन्हें मारता हूँ और इससे पहले कि कोई आए मैं ये आयरन मैन का सूट भी चुरा लेता हूँ। तो चलो दोस्तों, हमने आयरन मैन के सूट को हमारे ट्रक में भी लोड कर लिया है। और इससे पहले कि यहाँ पर कोई और मुसीबत आए, हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। और ये मेरा ट्रक भी इतना ज़्यादा खटारा है कि ये चलने में यार 5 मिनट लगा देता है। गाइज अगर आपने यार अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारा न्यू एवेंजर काफ़ी पावरफुल बन सके। और यार यहाँ की ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। हमारा ये ट्रक अभी छोटी सी कार से टकराया था और ये कितनी ऊपर हवा में उछला है। तो चलो यार हमारे पास अभी हमारे गोडजिला का सीरम आ चुका है और एक आयरन मैन का सूट आ चुका है। तो चलो अभी हम चलते हैं सीधा आइस गोडजिला के एरिया में। दोस्तों यार अभी हम आइस गोडजिला के एरिया में तो आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ का मौसम देखो, ये कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। और यार हमारे सामने अभी ये कौन है? यार मुझे लगते है कि ये हमारे ज़ोंबी हल्क हैं और ये तो मरते भी नहीं है। हम इन पर जितनी भी गोली चलाएं इसका इन पर कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसीलिए यार मुझे यहाँ पर अपने मोलोटोव यूज़ करने होंगे। और हमारे सामने अभी चार चार आइस गोडजिला हैं। तो चलो देखते हैं कि यार मेरे मोलोटोव इन पर असर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो चलो अच्छा यार इन पर मोलोटोव असर तो कर रहे हैं और ज़ोंबी सिर्फ आग से ही जलते हैं। तो दोस्तों मैंने फिल्मों में देखा है कि यार जब भी ज़ोंबीज पर आग से वार करते हैं तो वो सभी मर जाते हैं, इसीलिए यार मेरा ये आइडिया यहाँ पर काम कर गया। और चलो अच्छा है यहाँ पर ये सभी ज़ोंबीज भी मर गए और यहाँ पर अभी सिर्फ चार आइस गोडजिला है। यार ये आइस गोडजिला हमारे सबसे पास है, इसीलिए इसका सीरम निकालना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो अब इसके सीरम भी निकालने की बारी आ चुकी है। 3, 2, 1। तो चलो गाइज हमने यहाँ पर हमारे आइस गोडजिला का सीरम निकाल लिया है और मेरी पावर से ये अभी बेहोश भी हो चुका है। तो इससे पहले कि गोडजिला मुझ पर हमला करे मैं ये सीरम लेकर ये एरिया ही छोड़ देता हूँ। तो चलो गाइज हमने अपने 3 सुपर हीरो के सीरम को इकट्ठा कर लिया है और मैं उन सभी को एक स्पेशल जगह रखाया हूँ जहाँ पर कि हम अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लेकिन यार अभी मुझे पता लगा कि मुझे एक आयरन मैन के सूट की और जरूरत है, इसीलिए यार अभी मैं वो सूट लेने जा रहा हूँ और वो हमें इस वाइनवुड पर मिलने वाला है। इसीलिए चलो एक बार जल्दी से हम वाइनवुड पहुंचते हैं और वहां पर हमारे दूसरे आयरन मैन का सूट है और अभी हम उसे लेकर भी जल्दी से यहां से निकल लेते हैं। तो ये लो यार अभी हम यहां पर भी आ चुके हैं और जैसा कि मुझे पता है वाइनवुड पर हमारा एक आयरन मैन का सूट छुपा हो सकता है। और यार मुझे लगता है कि मुझे हमारा आयरन मैन का सूट भी मिल गया। यार ये तो हमारा Mark 47 है और ये यार काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि गाइस यार मैंने एक बार इसका टेस्ट लिया हुआ है। तो चलो इससे पहले कि कोई यहाँ पर आए अभी मैं इस सूट को पहन लेता हूँ। सो 3, 2, 1। वूफ, सो ऑसम गाइस, अभी हम बन चुके हैं आयरन मैन। और यार ये आयरन मैन का सूट क्या ही ऑसम लग रहा है। गाइस अगर आपको मेरा ये सूट अच्छा लग रहा हो तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार अभी मैं इस सूट को लेकर वहीं जाता हूँ जहाँ पर कि मैंने हमारे सारे के सारे सीरम रखे हैं। तो चलो अभी हम सीधा आपको वहीं पर मिलते हैं। तो ये लो गाइस अभी हम हमारे चेक पॉइंट पर आ चुके हैं, यानी कि हम आ चुके हैं मिलिट्री बेस में। यहाँ पर हमने हमारे दोस्त जायंट रेड हल्क को भी बुला लिया है और ऊपर हमारे दोनों सीरम और हमारे दोनों आयरन मैन के सूट हैं। तो चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बाइक को यहाँ पर ऊपर ही चढ़ा लेता हूँ ताकि हम हमारे जायंट रेड हल्क से बात कर सके। और जायंट रेड हल्क तुम कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन,
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे जायंट रेड हल्क, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि अभी हमारी दुनिया में तबाही आई हुई है और उसका कारण एक एविल स्पाइडरमैन है। इसलिए यार मैं चाहता हूँ कि तुम एक न्यू एवेंजर बना दो। लेकिन फ्रैंकलिन, न्यू एवेंजर बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही सुपर हीरो के सीरम की जरूरत होती है। अरे हाँ यार, ये सभी बातें मैं जानता हूँ, इसीलिए ये देखो यहाँ पर मैं दो गोडजिला के सीरम और दो आयरन मैन के सूट भी लाया हूँ, ये तो यार काफी होंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन, ये तो काफी है, लेकिन गाइस इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। इसीलिए अगर आपने अभी तक रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमारा न्यू एवेंजर तैयार हो जाएगा। सो 3, 2, 1। सो ऑसम गाइस, हमारा न्यू एवेंजर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, और ये देखो ये तो हमारा आयरन मैन गोडजिला है। यार इसकी पूरी की पूरी बॉडी गोडजिला की है, लेकिन उसके ऊपर आयरन मैन के सूट ने कब्जा कर लिया है। ये देखने में काफी ज्यादा ही मस्त लग रहा है, और गाइस हमारे आयरन मैन का फेस इस गोडजिला पर क्या ही मस्त लग रहा है। चलो यार एक बार मैं अपनी यहाँ पर पावर ट्राई करता हूँ, और अभी सबसे पहले हम यहाँ पर एटॉमिक एक्सप्लोजन ट्राई करेंगे, और ये एटॉमिक एक्सप्लोजन तो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। अभी यहाँ पर मैं अपनी लेजर एनर्जी भी ट्राई करता हूँ, और ये है हमारे आइस गोडजिला की पावर। यार मैं यहाँ पर इन सभी के सभी जंगलों में आग लगा दूंगा, लेकिन यार ये अच्छा नहीं है। तो चलो गाइज अभी हमारी दुनिया में जाने का टाइम हो चुका है, और वहां पर जाकर हमें उस एविल स्पाइडी को हराना है। तो चलो अभी हम हमारी दुनिया में चलते हैं। सो ऑन द काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1। तो चलो गाइज अभी हम हमारी दुनिया में भी आ चुके हैं, और वो एविल स्पाइडी अभी यहीं पर ही होगा। और ये देखो यार यहाँ पर तो हमारे दो दो एविल स्पाइडी हो चुके हैं। यार ये काफी ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है, और इन्होंने तो मुझे फेंकना भी स्टार्ट कर दिया है। मुझे यहाँ पर अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन मारना होगा जिसकी मदद से कि ये जल्दी से जल्दी मर सके। और ये देखो मैंने इन दोनों को कितनी आराम से जला दिया है। यार इन दोनों को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये देख तेरी तो ऐसी की तैसी, अभी मैं तुझे पकड़ूंगा और सीधा फेंक के मारूंगा। गाइज हमने यहाँ पर हमारे दोनों एविल स्पाइडी को मार दिया है, और इन्हें मारना यार इतना ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इन दोनों को ही खत्म कर दिया है। वैसे यार हमारा ये गोडजिला आयरन मैन काफी ज्यादा ही ओसम है, क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा ही खतरनाक थी। तो चलो गाइज आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताओ, और अगर आप चाहते हो कि हम इस वीडियो का अगला पार्ट लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो।